ये क्या हो गया? गुरुजी के पास फोन करना पड़ेगा। गुरुजी का नंबर लगाना ही पड़ेगा, क्या दिक्कत है? बरसात के, अरे ये भी आम ना खान दे मने कति के कह रहा है। हेलो हेलो, नमस्कार गुरुजी। हाँ बेटा नमस्ते, क्या कर रहे थे? मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था बेटा। अच्छा गुरुजी। हाँ दिख ना रहा, सांस फूल रहे। ओह नो गुरुजी, मैं कह रहा था आपने मेरे को गोली दी थी ना, उससे पता नहीं मेरे को कुछ चेस्ट में पेन फील हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि शायद मेरे निप्पल के साइड में गांठ बन गई है कोई। अच्छा ओहो जी गुरुजी। नहीं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कहो तो मैं डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। ना 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 ना, डॉक्टर तो मत दिखाइए, डॉक्टर बहम डाल देगा। अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ गुरुजी? एक काम कर, सरसों के तेल का मालिश कर ले। मालिश से हो जाएगा ठीक गुरुजी? ठीक हो जाएगा। हाँ रगड़ रगड़ के करिए, और ना हो तो एक काम करिए, मेरे दोनों दोबारा फोन कर लिए। हाँ चल रखी पे, मेरा फोन आ रहा है। ठीक है गुरुजी। In this video, I am gonna share with you some amazing fact about Dynabol. और Dynabol गायनोकमस्तिया के लिए इतनी ज़्यादा प्रोन क्यों है? भारतीय कल्चर में गुरु शिष्य परंपरा बहुत पहले से चलती आ रही है, फिर चाहे वो एग्जाम्पल हो गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का, या फिर महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन का। माँ बाप बिना संसार अधूरा और गुरु के बिना ज्ञान अधूरा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम अपना गुरु बना लेते हैं और वो हमें ही ठग के चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को भी मिलते हैं। उनमें से 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको गुरुजी ये बोलकर टैबलेट दे देते हैं कि ये गोली जो है आपका साइज बढ़ाएगी या आपका फैट बर्न करेगी। उनमें से 50% लोगों को ये तक नहीं पता होता कि ये गोली है क्या एक्चुअली। वो गोली आपके लिए एनाबोलिक स्टीरॉयड का काम भी कर सकती है, अगर आपको सही जानकारी ना हो तो। इस वीडियो का पर्पज़ सीधा सीधा टीनेजर को बचाना है और टीनेजर को जानकारी देना है ताकि वो सतर्क रहे और ऐसी कोई गलती ना करे जिसके कारण उन्हें गायनोकोमस्तिया जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अगर आप कोई ऐसी गोली दी गई है और आपको लगता है कि आपकी चेस्ट में डिस्कम्फर्ट है या फिर आपको कहीं पे गांठ हो गई है चेस्ट के करीब, तो समझ लीजिए कि आपको गायनोकोमस्तिया होना शुरू हो गया है। इवेंचुअली ये गायनोकोमस्तिया होता है और ग्रेजुअली ये कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि डायनाबोल ही क्यों इतनी ज़्यादा प्रोन है गायनोकोमस्तिया के लिए। तो उसके लिए आपको इंडोक्राइनोलॉजी को समझना पड़ेगा, मतलब आपके हार्मोन कैसे काम करते हैं, सबसे पहले आपको वो समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको दो हार्मोन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं फीमेल की बात करूं तो मैं अगर फीमेल की बॉडी में 10 mg एस्ट्रोजन है एक एग्जांपल के तौर पे, तो उसकी बॉडी में 1 mg तक जो कन्वर्ट होगा वो टेस्टोस्टेरोन होगा। वहीं अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में बिल्कुल इसका उल्टा है। मेल में 10 mg तक टेस्टोस्टेरोन होगा और कन्वर्ट होगा उसका 1 mg एस्ट्रोजन में। लेकिन ये सिर्फ होमियोस्टेटिस लेवल है। अगर ये होमियोस्टेटिस लेवल बिगड़ जाता है, होमियोस्टेटिस लेवल वो होता है जैसे कि आपकी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं तो आपका 119 SBP और DBP जो होता है वो 79 तक होता है, तो वो होमियोस्टेटिस लेवल है। उसके ऊपर गया तो आपको हाइपरटेंशन हो जाता है, और अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो आपको हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेम ऐसा ही होता है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के साथ। जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है टेस्टोस्टेरोन के कंपैरिजन में, तो गायनोकोमस्तिया जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। एस्ट्रोजन फीमेल के लिए प्राइमरी सेक्स हार्मोन है और सेकेंडरी करेक्टराइटिक्स है, मतलब कि उनकी जो आवाज़, जो पतलापन है उनकी आवाज़ में, वो एस्ट्रोजन के कारण ही होता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आपकी ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखता है, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, लीवर को हेल्दी रखता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो फ्यूज्ड का काम करता है, मतलब कि जो आपकी मेमोरी बढ़ाता है, वो भी एस्ट्रोजन करता है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ टेस्टोस्टेरोन की बात करूँ, तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल के लिए प्राइमरी सेक्स हार्मोन है और सेकेंडरी करेक्टराइटिक्स है, मतलब कि उनकी आवाज़ का भारीपन या फिर
उनके हाथ पैरों पे छाती पे जो बाल आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही आते हैं। टेस्टोस्टेरोन भी आपको बहुत सारे बेनिफिट देता है, जैसे कि आपकी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आपको हाइपरट्रॉफी देता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, एस्ट्रोजन जो है वो टेस्टोस्टेरोन के कंपैरिजन में ज़्यादा एनाबोलिक होता है। जो हमें जो साइज़ आता है, जो ह्यूज साइज आता है, वो एस्ट्रोजन के कारण ही आता है। अगर एस्ट्रोजन सही लेवल पे है तो आपको सही साइज़ देगा, लेकिन अगर वो सही लेवल है वो बिगड़ गया तो उसके बाद आपको साइड इफेक्ट दिखते हैं, जैसे कि गाइनोकोबेस्थिया, वाटर रिटेंशन और फैट बढ़ जाना। आप एग्जांपल के तौर पे फीमेल की बॉडी को देख सकते हैं, उनकी बॉडी बहुत ढीली ढाली होती है क्योंकि उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि डायनाबोल को आखिरकार बनाया क्यों गया। डायनाबोल को इसलिए बनाया गया था ताकि ये SHBG की मात्रा को, एफिनिटी को कम कर सके। SHBG एक तरह का बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो आपके ब्लड में ट्रेवल कर रहा होता है, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को या फिर कोई भी एनाबोलिक जो हार्मोन होता है उसको खींच लेता है। जब आपका पूरा प्रोसेस होता है तो 2% आपकी बॉडी में फ्री छोड़ देता है टेस्टोस्टेरोन को, जो आपकी बॉडी को मिलता है। इस बारे में मैं कभी और बात करूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसको इसीलिए बनाया गया था ताकि वो SHBG के इफेक्ट को कम कर सके। आप बस इतना समझ लीजिए, डायनाबोल को इसीलिए बनाया गया था SHBG की जो एफिनिटी है उसको कम किया जा सके। इसी कारण ये SHBG से नहीं चिपक पाता और इसकी हाफ लाइफ भी बढ़ जा सकती है। अगर इसकी नॉर्मली हाफ लाइफ देखें तो 5 से 6 घंटे की होती है, लेकिन अगर एक टैबलेट आपको खिला दी जाए तो 6 हफ्ते तक आपकी बॉडी में ये डिटेक्ट की जा सकती है। SHBG की एफिनिटी को कम करने का बेनिफिट ये होता है कि जो 2% टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी को मिल रहा था वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में मिलने लगेगा। दूसरा, इसको इसलिए भी बनाया गया था ताकि एरोमेटाइजेशन प्रोसेस को रोका जा सके। एरोमेटाइजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि कन्वर्जन होता है, जैसे कि मैंने बताया था बॉडी का होमियोस्टेसिस लेवल होता है, 10 टेस्टोस्टेरोन है तो एक एस्ट्रोजन भी होगा, उस एस्ट्रोजन के कन्वर्जन को रोकने के लिए भी डायनाबोल को बनाया गया। लेकिन इसके लिए आपको मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर देखना चाहिए कि इसमें क्या चेंजेस किए गए। तो जैसे कि आप टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर C4C5 के बीच एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है और एक कीटोन ग्रुप भी लगा हुआ है, ऊपर की साइड कोई बॉन्ड नहीं लगा हुआ। वहीं अगर दूसरी तरफ मैं डायनाबोल की बात करूं तो डायनाबोल में आपको C1C2 के पास भी एक डबल बॉन्ड दिखाई देगा। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि इसका जो एरोमेटाइजेशन प्रोसेस है उसको बंद किया जा सके, आपकी बॉडी को सिर्फ टेस्टोस्टेरोन मिले। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं होती मेरे भाई, इसके आगे भी कहानी है। स्टीरॉयड था, ओरली देना था, अब लीवर उसको कैसे झेलेगा कैसे नहीं झेलेगा, अगर कुछ चेंजेस नहीं करते तो लीवर इसको खराब कर देता। तो इसके लिए भी दोबारा से मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर देखें तो 17th पोजीशन पर हाइड्रोजन का एक बॉन्ड हटाकर यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप को लगा दिया गया, जिसके कारण ही इसका नाम मिथैंड्रोस्टिनोलोन पड़ गया। अब देखा ये गया कि 17th पोजीशन पर चेंजेस करने के कारण जितना भी कन्वर्जन हो रहा था टेस्टोस्टेरोन का वो 17α-एस्ट्राडियोल में ही हो रहा था, मतलब कि अब ये कन्वर्ट होगा एस्ट्रोजन में ही कन्वर्ट होगा। इसकी बायोलॉजिकली जो एक्टिविटी थी वो बढ़ गई थी, इसलिए छोटी सी गोली भी जो आपको डायनाबोल की है वो ड्रास्टिक चेंज देने लगती है। आपका वाटर रिटेंशन होता है, फैट बढ़ने लगता है और साइज भी अल्टीमेटली आपको मिल जाता है। अब बात आती है क्या एस्ट्रोजन सही में इतना पावरफुल है, तो इसके लिए भी एक स्टडी कंडक्ट की गई छोटी सी रेट्स पे जो की कंडक्ट की गई थी। इसको चेक करने के लिए ऑर्किडेक्टोमी की गई, मतलब कि जो रेट्स के जो टेस्टिकल्स थे उनको रिमूव कर दिया गया। इसके बाद बाहर से सिंथेटिकली एस्ट्रोजन को डाल दिया गया उनकी बॉडी में। उसके बाद देखा यह गया कि 480% तक जो आपके एंड्रोजन रिसेप्टर हैं उनकी बाइंडिंग बढ़ चुकी थी, मतलब ये देखा गया कि जो आपका एस्ट्रोजन है वो टेस्टोस्टेरोन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एनाबोलिक है। अब बात करते हैं कि अगर ये बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए, आपको गाइनोकोमेस्थिया जैसी प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना चाहिए। इमीडिएटली आपको साइकिल स्टॉप कर देनी है अगर आप यूज करते हैं तो। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, कोई एथलेटिक गोल नहीं है तो इन चीज़ों में ना पड़े। सिर्फ बॉडी बनाने के लिए अगर आप डायनाबोल जैसी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं, अपने साथ अपने हार्मोन के साथ खिलवाड़ ना। दूसरा, आपको ये करना है कि अगर आपने गलती से भी ऐसी कोई टैबलेट ली है तो कृपया करके अपने फिजिशियन को दिखाएं, डॉक्टर के पास जाएं या हार्मोन स्पेशलिस्ट के पास आप ज़रूर जाएं और उनको दिखाएं, उनको बिल्कुल बताएं कि मेरे साथ सर ये दिक्कत हो गई है, वो जल्दी से इसका सलूशन निकाल पाएंगे। तीसरा ये है कि बिना नॉलेज के किसी भी चीज़ के लिए आगे ना बढ़े जब तक आपको पता ना हो कि ये चीज़ है क्या, ये आपकी बॉडी पे कैसा इफेक्ट करेगी। और
मैं तो ये कहूँगा अगर आपको पता भी है और फिर भी आप अपने साथ छेड़खानी कर रहे हैं, अपने हार्मोन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो लंबे समय तक आपको इसके लिए पछताना भी पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ गुरु की गलती होती है, शिष्य की भी गलती होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही उतावले होते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए। ऐसी कौन सी जल्दबाजी है, थोड़ी अगर आप एक दो साल रुक जाएंगे तो उसमें कौन सी देर हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो का पर्पस बिल्कुल भी एनाबॉलिक स्टीरॉयड को प्रमोट करना नहीं है, सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आने वाले टाइम में हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।